ये यूनिफॉर्म आपको एक आम आदमी से अलग कर देती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। अभी हमारे साथ हैं अभिनय चौधरी सर, जो कि उत्तराखंड पीसीएस के थ्रू 9वीं रैंक के साथ एज ए डीएसपी पद के लिए चयनित हुए हैं। सर के साथ जानेंगे कि सर की क्या स्ट्रेटजी रही, क्या टाइम टेबल रहा और क्या मोटिवेशन रहा। सर के जो भी सर का एक्सपीरियंस रहा इस वीडियो में शेयर करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। सर आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा। सर एक्चुअली मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। मेरी जो बेसिक एजुकेशन है 12th तक, वो मैंने गांव से ही की है। मैंने गांव से ही 12th किया है। उसके बाद में मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, पंतनगर यूनिवर्सिटी से। ओके। उसके बाद में मैंने एज एन इंजीनियर काम किया है एक साल। फिर उसके बाद मैं यूपीएससी में एज एन असिस्टेंट कमांडेंट रहा हूँ सशस्त्र सीमा बल में जी। फिर रिसेंटली मेरा 2019 में उत्तराखंड पीसीएस के माध्यम से डिप्टी एसपी पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। ओके। सो सर ये आईएएस, आईपीएस, डीएसपी बहुत बड़े नाम होते हैं सर, आपको कब लगा कि आपको इस चीज़ की प्रिपरेशन करनी चाहिए, जैसे कि आप आज डीएसपी बने हो, तो कब लगा, कहाँ से मोटिवेशन आया? हाँ, नाम बहुत बड़े हैं। पहले हम भी सुना करते थे कि आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं। मैं कभी पर्सनली उन किसी से मिला भी नहीं। लेकिन जैसे ही आप किसी चीज़ की तैयारी शुरू करते हैं या किसी चीज़ को दिमाग में बैठा लेते हैं तो चीज़ें बहुत छोटी होने लगती हैं। राइट सर। और चीज़ें बहुत आसान हैं, चीज़ों को हम लोग जो हैं बहुत मुश्किल कर देते हैं। एक कोई एग्ज़ाम है, उसका एक सिलेबस है, आपको वो एग्ज़ाम का सिलेबस पढ़ना है, आपको एग्ज़ाम देना है। अगर आप खुद को उस लायक बना लेते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, हम चीज़ों को बहुत मुश्किल कर लेते हैं। हम समाज का डर लगा लेते हैं कि समाज क्या बोलेगा, परिवार वाले क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे, हुआ नहीं हुआ, इधर का डर उधर का डर। तो चीज़ें बहुत मुश्किल कर लेते हैं हम, लेकिन चीज़ें बहुत आसान हैं। अगर आप एक गोल सेट करो और उसी की डायरेक्शन में धीरे धीरे बढ़ते चले जाओ तो आपको थोड़े समय के बाद सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मिल सब जाता है, समय लगता है। और मैं अगर अपनी मोटिवेशन की बात करूं तो जैसे मैंने कहा कि मैंने अपना जो 12th है वो गांव से ही किया है। मैं प्लेन में गांव का रहने वाला हूं जी। मेरा गांव उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर पे पड़ता है। तो आप ये मानो कि जो बहुत बेसिक सी नेसेसिटीज़ हैं, जैसे बेरोजगारी, अशिक्षा, अज्ञानता, इन सबको मैंने बहुत करीब से देखा है। और मैं तभी से चाहता था कि मुझे किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिले कि मैं इन सारी परेशानियों को या तो हल कर सकूं या सॉल्यूशन का पार्ट बन सकूं। तो इसीलिए मैंने कॉलेज टाइम में भी एनजीओ ज्वाइन किया, फिर मैंने यूपीएससी का असिस्टेंट कमांडेंट वाला एग्ज़ाम निकाला। तो वहाँ भी मैं चाहता था कि मैं देश सेवा करूँ। अब मुझे पब्लिक सर्विस कमीशन, जो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके द्वारा पुलिस में काम करने का मौका मिला है। तो अब भी मैं चाहता हूँ कि मैं समाज सेवा करूँ और देश सेवा करूँ और पुलिस की एक अच्छी छवि को बनाए रखने की कोशिश करूँ। ओके। सो सर अगर हम बात करें, जब आप बचपन में एज अ स्टूडेंट थे स्कूल टाइम पे, तो उस टाइम पे कुछ ख्याल आते होंगे कि मैं जब ऑफिसर बनूंगा तो ये करूँगा ये करूँगा, वो किस तरीके से? हाँ, सपने देखना बहुत बड़ी बात है। सपने हम सबको देखने चाहिए जी, और वो भी खुली आँखों से। तो आप बहुत सपने, अच्छे अच्छे सपने देखें कि मुझे 10 साल बाद ये करना है, मैं 5 साल बाद ये करना चाहता हूँ। और अपने आपके लाइफ के कुछ गोल्स होने चाहिए। आपकी ज़िंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप सुबह उठो और शाम हो गई आपको पता ही नहीं आपको करना क्या है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, कोई मोटिवेशन नहीं। तो आप एक गोल सेट करो, उस गोल के लिए आपको एनर्जी मिलेगी। आप एनर्जी और टाइम दोनों उस गोल के लिए लगाओ और उसमें जुट जाओ पूरी तरह से, तो फिर ज़िंदगी जीने का मज़ा आता है जी। कि जिसे कहते हैं ना, कि जिसे कुछ लोगों से पूछते हैं कि लाइफ कैसी चल रही है, तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छी लग रही है। मतलब वो एक एक पल, एक एक क्षण को जीते हैं, वो जीने की कोशिश करते हैं। तो ये मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं या बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, जिस भी फील्ड में जो लोग हैं, तो वो अपने अपने गोल सेट करते हैं, उस गोल को पाने के लिए खुद को तैयार करते हैं, दिमाग से खुद को प्रिपेयर करते हैं कि हमें ये चीज़ इतने टाइम में अचीव करनी है। तो उस तरह की एनर्जी जो है वही हमें चीज़ों को दिलवाती है। नहीं तो हर साल एग्ज़ाम होते हैं,
लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, पोस्टें कम होती हैं और कोई ना कोई उस पोस्ट को लेके जाता है। यस, अंतर कहाँ होता है कि आप अंदर हो या लिस्ट के बाहर हो। बाहर, जी सर। तो उसमें आप उन लोगों को भी देख सकते हैं कि जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं उसमें और एक अनसक्सेसफुल कैंडिडेट में कितना अंतर है। जी, तो उनसे भी आप मोटिवेशन ले सकते हैं कि इसने ऐसा क्या किया और ऐसा क्या इन्होंने तैयार किया, कैसे टाइम मैनेज करा, क्योंकि समय भी सबके पास उतना है, एनर्जी भी सबके पास उतनी है। अंतर कहाँ पड़ता है? मोटिवेशन लेवल का। उन्होंने अपने वक्त और अपनी एनर्जी का बहुत सही इस्तेमाल किया एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने में। यही एक विनर और एक लूज़र के बीच में अंतर बना देता है। जी जी, ओके। सो सर, हम अगर बात करें आपकी प्रिपरेशन की, क्या टाइमिंग रही है, कब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी? बचपन से मैं बहुत होनहार बच्चों में तो नहीं रहा, मैं एक मतलब मीडियोकर टाइप का स्टूडेंट था जिसके जो सबसे नीचे भी नहीं था और सबसे ऊपर भी नहीं था। ओके। मैं कभी टॉपर नहीं रहा, ना मैं कॉलेज में टॉपर रहा, स्कूल में हाँ थोड़ा बहुत मतलब कि सेकेंड थर्ड इस थोड़ा बहुत चलता था। लेकिन अगर प्रिपरेशन की बात करें तो जब आपको मोटिवेशन आए कि आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ अचीव करनी है, उसके लिए गाइडेंस का रोल बहुत बड़ा होता है। राइट। आप हमेशा अच्छे लोगों से घिरे रहें, क्योंकि जब आप अच्छे लोगों से घिरेंगे तब आपको एक इंसाइट मिलता रहता है कि अच्छा इस चीज़ की प्रिपरेशन हो सकती है। नहीं तो समाज में आप देखोगे कि जो नकारात्मक टाइप के लोग हैं उनकी प्रवृत्ति मतलब उनकी जो संख्या है बहुत ज़्यादा है। तो हम जैसे ही किसी एग्ज़ाम को या किसी चीज़ को फोकस करते हैं हमें फ़ौरन कोई ना कोई बता देता है कि उन लोगों ने भी तैयारी की थी, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप कैसे कर लोगे? वो लोग आपसे होशियार थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप कैसे सोच सकते हो? तो यहाँ जो है हमारा मोटिवेशन जो है खो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग वाले जो लोग हैं उनसे हम जुड़े रहें, ताकि हम एक सक्सेसफुल खुद को देख सकें कि अगर ये इन्होंने ये एग्ज़ाम निकाला है तो हम भी ये एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, और एग्ज़ाम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। जी सर, बिल्कुल। चीज़ें सब पॉसिबल हैं, बस आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ओके। अब कुछ चीज़ों की कीमत, अब जैसे हम किसी शोरूम में जाते हैं तो कोई कपड़े टंगे हैं, कुछ सामान रखे हैं, उनके ऊपर एक प्राइस टैग लगा है, तो उस पर्टिकुलर सामान की कीमत वो प्राइस टैग है। ऐसे ही किसी पर्टिकुलर जॉब की कीमत, किसी पर्टिकुलर बिजनेस की कीमत, किसी सक्सेस की कीमत किसी भी फील्ड में, तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ती है। किसी की कीमत समय में चुकानी पड़ती है, किसी की मेहनत में और किसी की पैसों में। जी, तो बहुत सही बात कही सर आपने, हमें कीमत चुकानी पड़ती है चीज़ों की। और मैं बोलूँगा कि 90% लोग ये कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो चाहते हैं कि चीज़ें हमें मिलें, लेकिन वो कीमत वो चुकाना नहीं चाहते। वो चाहते उन्हें जेब में मिल जाए कुछ। हाँ, करना बिल्कुल बिल्कुल। वो सपने देखते हैं आंखें बंद करके कि अगर ऐसा हो जाएगा तो कैसा होगा। और जो एक सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो देखता है कि ऐसा करना है तो कैसे करना है। जी बिल्कुल सर। एक पहले एक थॉट बनाएगा दिमाग में, मतलब एक बिलीफ सिस्टम होगा उसका कि एक थॉट बनाएगा, उसके लिए वो एक स्ट्रेटजी खोजेगा कि अच्छा ऐसे ऐसे करके जो बाकी लोग सक्सेसफुल हुए हैं वो इस तरह से गए हैं, और अगर मुझे जाना है तो मुझे कौन सा रास्ता अपनाना है। जी, और फिर उसके लिए अपने एक्शन को कंटिन्यू करेगा। जी। उसी फील्ड में लग जाएगा कि ठीक है, एक साल तक, दो साल तक, जब तक नहीं मिलेगा तब तक इसी काम में लगे रहेंगे। तो यहाँ जो है बहुत बड़ा अंतर बन जाता है। बिल्कुल सर। जो लोग निकालने वाले हैं और जो लोग मतलब फेलियर वाले हैं। जी सर। और चीज़ें बहुत मैं बोलूँगा कि मुश्किल नहीं है, टाइम टेकिंग होती हैं। अब जैसे यूपीएससी की, अगर यूपीएससी की बात करें, स्टेट पीसीएस की बात करें या असिस्टेंट कमांडेंट की बात करें, तो मैं बोलूँगा कि कुछ सिलेबस हैं, उसमें कुछ सब्जेक्ट हैं, आप सिलेबस को देखो, सब्जेक्ट को पॉइंट आउट करो कि किस सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक पूछे गए हैं। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, आप सारे सब्जेक्ट को देखो, फिर उसी हिसाब से उसी फॉर्मेट में तैयारी करो जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जी सर। तो ये बहुत ज़रूरी है। और जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था कि एग्ज़ाम की तैयारी कब से स्टार्ट की, तो मैं बोलूँगा कि जब आपको लगे कि आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है आप तभी से स्टार्ट करो। जी बिल्कुल सही बात। और ऐसी कोई एज नहीं होती, हमारा जो बैच है उसमें ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने जब एग्ज़ाम निकाला तब उनके बच्चे 12th क्लास में थे, और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 22-23 साल की 21-22 साल की एज में ही एग्ज़ाम निकाल दिया। बिल्कुल। तो ये आपके ऊपर है कि आप कब मेहनत करना चाहें, और किसी ना किसी एज में तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। एक पुरानी कहावत है कि जो लोग बचपन में मेहनत करते हैं उनका जवानी और बुढ़ापा बहुत आराम से कटता है, और जो जवानी में मेहनत करते हैं उनका बुढ़ापा बहुत आराम से कटता है। जी, और जो इन दोनों टाइम को बर्बाद कर देते हैं उनको पूरी ज़िंदगी भर मेहनत करनी पड़ती है, और जो रिस्पेक्ट वो सोसाइटी से चाहते हैं वो सोसाइटी उन्हें कभी नहीं देती। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी मेहनत नहीं की। जी।
और मैं अपने बारे में और बताना चाहूँगा कि जो लोग सोचते हैं कि इस तरह की एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन होती है बहुत पहले से करनी पड़ती है, जब मैं कॉलेज में था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह के एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा। आप ये मानो कि मैं कभी अखबार भी नहीं पढ़ता था कॉलेज में, लेकिन जब मैं नौकरी में गया, जब मैं इंजीनियर था बजाज में, तो कुछ एक ऐसा ग्रुप था लोगों का जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था या स्टेट पीसीएस की, वो लोग तैयारी कर रहे थे। तो जब मैं उनके पास बैठता था तो वो नॉलेज की बात करते थे, वो मोटिवेशन की बात करते थे, वो हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगता था। फिर धीरे धीरे मेरा भी इंटरेस्ट बना तो मैंने भी वहाँ जाके मैंने तैयारी स्टार्ट की। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि वो लोग स्कूल से या कॉलेज से ही तैयारी स्टार्ट करनी पड़ती है। तो मैंने तो आप ये मानो कि कॉलेज ख़त्म होने के और नौकरी करते हुए मैंने जो है मुझे मोटिवेशन मिला कि तैयारी करनी चाहिए, फिर उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। हाँ, टाइम थोड़ा लगा, उस प्रोसेस में टाइम लगता है, लेकिन अगर आप लगे रहोगे तो चीज़ें मिल जाती हैं। मिल जाती हैं जी। ओके, सो सर, अगर आपके फैमिली सपोर्ट की बात करें तो वो किस तरीके से रहा, क्योंकि ये एक प्रोसेस है जिसमें कि सभी का साथ चाहिए होता है कहीं ना कहीं। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। फैमिली एक ऐसी यूनिट है जिससे आपको कंटिन्यूस एनर्जी मिलती रहती है। जी, हमारी लाइफ में बहुत सारे फेजेज आते हैं। कभी हम बहुत खुश होते हैं तो हम फैमिली के साथ शेयर करते हैं, कभी हम बहुत परेशान होते हैं तो हम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो हमारी परेशानियाँ कम कर सके। ऐसी जगह रोल आता है फैमिली का कि अब जब कोई स्टूडेंट तैयारी करता है तो उसे बहुत बार हाईस फील होते हैं, लोस फील होते हैं, लाइफ में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, तो फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है कि हम कोई भी काम करें फैमिली बोले कि चलो ठीक है, इस एग्ज़ाम में नहीं हुआ, आप अगले एग्ज़ाम में तैयारी करो। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनका पहली बार ही सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे किसी चीज़ की, और कोशिश में पहली बार सफलता मिलना अगर जिनको मिल जाए वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आम तौर पर देखा गया है कि पहली बार में सफलता कम ही मिलती है। हम भी उन लोगों में से हैं जिनके लगातार जो एग्ज़ाम है वो निगेटिव चलते गए, एक एग्ज़ाम में नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, तीसरे में नहीं हुआ, लेकिन हम लगे रहे कि ठीक है कभी ना कभी तो होगा, वो दिन भी आएगा जब हमारा नाम भी लिस्ट में होगा। जी, तो उस दिन की तलाश में हम मेहनत करते रहे और ऐसी वक्त कटता गया, चीज़ें होती रहीं, हमने नहीं देखा कि जो है गाँव में क्या हो रहा है, किसकी जो है शादी हो रही है, किसकी पार्टी हो रही है, हम अपने काम में लगे रहे। बिल्कुल सर। और जब चीज़ें मिल जाती हैं तो फिर वो सब लोग लौट के आ जाते हैं और वो समय फिर से हम इंजॉय करना, मतलब उसी मेन स्ट्रीम में हम फिर से आ जाते हैं कि अब हमें सब पता है कि हम लोग आप पार्टी में भी जाते हैं, शादी में भी जाते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर टाइम जिसमें आप तैयारी करते हैं तो वो आपको ज़िंदगी में एक बार तो देना पड़ेगा। राइट सर। कि जिस समय के भरोसे आप कह सको कि मैंने ज़िंदगी के उस पल में मेहनत की थी या उस एक दो साल में मेहनत की थी जिसकी कमाई मैं अब खा रहा हूँ। ओके। तो वो टाइम बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, जिस पे आप गर्व कर सको। ओके। कि मैंने उन दो सालों में बहुत मेहनत की थी, तो वो टाइम आप दो टाइम कभी सारे लोग नहीं आता सर। ओके। समय की बहुत कीमत होती है। राइट सर। ओके, सो सर, जब आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ था, जब आप एज अ डीएसपी की लिस्ट में आए थे, तो सर उस टाइम क्या फीलिंग्स था या घर वालों का क्या रिएक्शन था सर? वो क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो, मतलब कभी ना भूलने वाला फीलिंग्स होता है यूँ कहें हम। बिल्कुल, जिस अगर हम कह सके कि जो एक दर्द अगर कहीं से मिलता है ना, और जो खुशी मिलती है इस लेवल की, तो वो सेम होता है, क्योंकि जो दर्द मिलता है वो कभी हम भूलते नहीं हैं, जो एक यूनिक चीज़ होती है हमारे साथ। हाँ, बहुत सही बात कही आपने कि जब हम एक ड्रीम बनाते हैं कि हम ये बनना चाहते हैं या ये बनेंगे, फिर हम उस ड्रीम को अचीव करते हैं, तो जिस दिन वो सक्सेस वाला दिन आता है तो वो क्षण सबकी ज़िंदगी में बहुत एक अलग होता है, हमें बहुत खुशी होती है उस दिन, हम खुश होते हैं, हमारी फैमिली वाले खुश होते हैं, हमारे जान पहचान वाले, हमारे दोस्त बहुत खुश होते हैं, जो दोस्त भी नहीं होते वो दोस्त बनने लग जाते हैं। हाँ, दुनिया बहुत छोटी होने लगती है, और चूंकि फिर आप एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाते हो। यस। हर आदमी आपसे दोस्ती करने की, आपकी तरफ आने की कोशिश करेगा। राइट। क्यों? क्योंकि जो पसीने की कीमत होती है, जिसे कहते हैं ना मेहनत की कीमत, वो बहुत अलग होती है, और जैसे ही कोई आपके करेक्टर को देखता है तो वो पसीने की कीमत जो है वो आपके साथ जुड़ जाती है। तो हर आदमी कोशिश करता है कि मैं मतलब फिर आप एक पॉजिटिव माइंड सेट वाले
एक आदमी बन जाते हों जिसका एटीट्यूड बहुत ही मोटिवेशनल और सक्सेसफुल है। तो हर आदमी चाहता है कि आपके पास 5 मिनट बैठे, आपसे कुछ सीखे। स्टूडेंट आपको अप्रोच करते हैं कि सर आप हमें एग्ज़ाम के लिए गाइड करें। जो नॉर्मल आदमी है वो लोग भी चाहते हैं कि आपसे मतलब बात कर ले, बात करें, और वो चाहते हैं कि यार ऐसा क्या था इनमें जो ये सक्सेसफुल हो गए, या ऐसा क्या था इन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया। तो वो खोजने की कोशिश करते हैं आपके करेक्टर में, और अच्छा लगता है कि नॉर्मल आदमी को भी, या जो लोग बहुत सक्सेसफुल हैं, जैसे जो लोग बहुत अच्छे राइटर हैं, पेंटर हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हम उनके पास बैठे हैं, उनके पास कुछ सीखें, कुछ ऐसा हमें पता लगे कि ये इतनी ऊपर कैसे निकले, इन्होंने क्या किया। तो हम वो सब जानने की एक क्यूरोसिटी रहती है, हम कोशिश करते हैं। तो वही सब रहता है कि जैसे अब जब भी रिज़ल्ट आते हैं किसी तरीके के, आप यकीन मानो जो लोग कहते हैं कि हमें पहले से पता था या कुछ, हम तो पहले से टॉपर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। एग्ज़ाम से एक दिन पहले तक कुछ पता नहीं, आपको पता नहीं होता कि आप लिस्ट के अंदर हो या बाहर हो। बिल्कुल। वो जब रिज़ल्ट आता है तो आप क्लेम करने लग जाते हो कि ठीक है हमें तो पहले से ही पता था। मतलब मैं खुद कह रहा हूँ कि मुझे खुद नहीं पता था कि हाँ ठीक है होगा नहीं होगा, क्योंकि आपने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट दिए, लेकिन बाकी जो लोग हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है सभी अपने 100 हाँ उन्होंने भी अपनी पूरी मेहनत की है और उन्होंने भी बहुत एफर्ट मारे हैं। तो सब लोग वेट कर रहे हैं कि हाँ पता नहीं क्या होगा, किसका नहीं होगा। लेकिन हाँ जब रिज़ल्ट आता है तो अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है मैंने जो इतनी मेहनत की उसका मुझे आज फल मिला है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह के जो पल हैं या क्षण हैं उसको आप इन्जॉय करें फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। सर अगर देखा जाए, अभी आप एक ऑफिसर हो, तो आप इसको किस तरीके से देखते हो या आपका विज़न क्या है? हाँ जैसे अभी मैं उत्तराखंड पुलिस का पार्ट हूँ, तो जो लोग यूनिफॉर्म सर्विसेज के लिए, जिनके लिए बहुत चाम है, जो चाहते हैं कि वो यूनिफॉर्म सर्विसेज ज्वाइन करें, चाहे पुलिस हो, पैरामिलिट्री हो या आर्मी हो, राइट, हाँ, तो उनके लिए एक बात बताना चाहता हूँ मैं कि जब आप यूनिफॉर्म पहनते हो तो ये यूनिफॉर्म आपको एक आम आदमी से अलग कर देती है। एक भरोसा इसके साथ जुड़ जाता है जो लोगों को एक ऐसा एहसास दिलाता है कि उनको देश की सेवा करनी चाहिए, उनको समाज की सेवा करनी चाहिए, या उनको ऐसे काम करना चाहिए जिस पर वो खुद पर गर्व कर सकें और उनके फैमिली गर्व कर सके। तो यूनिफॉर्म से हमें ये पावर मिलती है। अब अगर मैं आम तौर पर पुलिस की बात करूं, तो पुलिस की यूनिफॉर्म में हमें 3 चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती हैं। जैसा कि यूनिफॉर्म अपने आप में एक सिंबल है, राइट, एक भरोसे का प्रतीक है, जिससे जिसको देख के एक आम आदमी भरोसा कर सकता है। वो जब भी परेशान होगा कि सामने पुलिस है, सामने पैरामिलिट्री है, सामने आर्मी है, कि जब कोई मदद नहीं करेगा तो ये लोग मेरी मदद करेंगे, राइट, तो वो परेशान होकर हमारे पास आता है और हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उसकी मदद करें, राइट। और दूसरा जो पावर है वो एक लॉ की पावर मिलती है, पावर ऑफ लॉ और पावर ऑफ वेपन। तो जो समाज के असामाजिक तत्व हैं तो उनके खिलाफ हम एक मुहिम छेड़ सकते हैं कि जो एक आम आदमी है वो उसको परेशान ना करे, एक आम आदमी चैन से जी सके। तो ये पुलिस का जो मेन, मैं बोलूँगा कि मेन मोटो और मेन विज़न यही रहना चाहिए। जैसे हम उत्तराखंड पुलिस की बात करें तो मित्रता, सेवा, सुरक्षा, तो आप उसी तरीके से देख सकते हैं कि पुलिस कुंभ में भी ड्यूटी कर रही है, कोविड में भी बहुत अच्छी ड्यूटी करी, और बाकी घर घर जाके हम हर तरह के काम करते हैं, सबको सहायता देने का, सबको सहायता देने की कोशिश करते हैं, और आगे भी इसी तरीके की जो पुलिस की है वो सकारात्मक छवि बनी रहे, तो मैं भी इसी चीज़ में कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा नौकरी में रहते हुए। ओके, सो सर ये IAS या स्टेट PCS के जो एग्ज़ाम होते हैं, इनमें कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, या फिर जो हॉबीज़ वगैरह होती हैं, या फिर जो आप थोड़ा बहुत अलग करना चाहते हो अपना पसंद का काम, वो नहीं कर सकते हो, तो सर आपने कैसे किया सर? हाँ ये बहुत बड़ी मिथ है कि लोग ऐसे सोचते हैं कि जो लोग अच्छे बड़े एग्ज़ामों की तैयारी करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई का एक सिंपल सा फंडा है कि जब आप किताब के सामने बैठें तो सिर्फ किताब के सामने बैठें, आप माइंड से भी और बॉडी से भी सिर्फ किताब के सामने बैठें, अपना सारी एनर्जी वहीं कंसंट्रेट करें, और जब आप फील्ड में निकलें या आप जब आप खेल रहे हों, जब आप खा रहे हों, तो पूरा ध्यान खाने पे और खेलने पे दें। और मैं बोलूँगा कि हर चीज़ आदमी की ज़िंदगी में बैलेंस रहनी चाहिए। अगर आप 14-15 घंटे की पढ़ाई करते हो
तो आप इस चीज़ को बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर सकते। जी जी, एक ऐसा टाइम आएगा जब आप बीमार पड़ने चालू हो जाएंगे। राइट राइट, तो हर चीज़ ज़रूरी है। हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है, जैसे मैं अपना बताऊँ तो मैं 10 से 12 घंटे पढ़ता था। ओके ओके, डेली इतना टाइम निकाल लेता था और थोड़ा टाइम मैं रनिंग के लिए या खेलने के लिए भी निकालता था। लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता है हम उस टाइम को घटाते जाते हैं। okay. मतलब आधा घंटा या एक घंटा आपको हेल्थ को भी देना चाहिए। right. और आपको खाने पे विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो प्रिपरेशन का पीरियड होता है बहुत लंबा होता है, कभी कभी आपको 1-2 साल 3 साल तक लग जाते हैं। तो उसमें आप खाने पर प्रॉपर ध्यान दें कि आपका शरीर आपके साथ रहे, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ गए तो आपका इतना टाइम का नुकसान होगा जितना शायद किसी और चीज़ में ना होता। यस, बिल्कुल सही। तो खाना अच्छा खाएं और सेहत पे भी ध्यान दें। आधा पौना घंटा आप योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं हो, बाकी 10-12 घंटे आपको पढ़ने के लिए प्रॉपर देना चाहिए अगर आप जॉब में नहीं हैं तो। और अगर आप जॉब में हैं, चूँकि मैंने कुछ टाइम जॉब में रहते हुए भी प्रिपरेशन की है, तो उसमें आपको फिर टाइम जो है थोड़ा बचाना पड़ता है कि जैसे आप शाम को आएँ, आप रिवीजन तेज़ करें, आप जितना टाइम मिलता है घूमने का टाइम और जो खाली गप्पे शप्पे मारने का टाइम है वो सारा टाइम कट करें और उसको पूरे टाइम को प्रिपरेशन में लगाएं। ओके. और अगर रूटीन की बात करें तो ऐसा रूटीन कुछ नहीं होता। कुछ लोग दिन में पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ लोग रात में पढ़ना पसंद करते हैं। जो आपको सूटेबल है आप वो टाइम फ्रेम फॉलो करें। हाँ, लेकिन जब आप किताब के सामने बैठें या जब आप पढ़ने बैठें तो आप फुल कंसंट्रेशन से पढ़ाई करें। उसमें फिर ऐसा ना हो कि आपका जो है आपने किताबें खोल दी और आपका दिमाग कहीं और है, क्योंकि ऐसे में आपको कुछ नहीं मिलेगा फिर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कंसंट्रेशन आप बनाए रखें, पॉजिटिव एनर्जी से पढ़ें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल सकें पढ़ने के लिए जितना हो सके। तो सर, अगर मैं आपकी हॉबीज़ पूछूं तो सर प्लीज़ हॉबीज़ के बारे में बताइए। हाँ, जैसे आपने पहले भी पूछा था कि हॉबीज़ फुलफ़िल कर सकते हैं, तो मैं बताऊं कि मैं खुद बताना चाहूँगा कि पढ़ाई के साथ मैंने हॉबीज़ का थोड़ा कम किया। और कॉलेज टाइम में मैं स्पोर्ट्स में भी था, मैंने 3-4 बार नेशनल्स भी खेले हैं और मैं वॉलीबॉल में मैंने नेशनल्स खेले हैं। और उसके बाद में जैसे मैंने प्रिपरेशन के टाइम में भी मैं रीडिंग और राइटिंग करता रहता था। ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो पॉजिटिव लोग हैं और जो पॉजिटिव बुक्स हैं, जैसे कुछ किताबें हैं कि यू कैन विन और हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड विन फ्रेंड्स और पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, तो इस तरह की बहुत सारी किताबें हैं जो आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट देती हैं। तो आप कोशिश करें कि इस तरह की किताबों से भी जुड़े रहें, पॉजिटिव लोगों से जुड़े रहें और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में तैयारी करें। जब आप तैयारी कर रहे हो तो नकारात्मक लोगों से या जो इस तरह के लोग हैं जो आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं उनसे दूरी बनाए रखें, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, सो सर लास्ट में आपके क्या सजेशन रहेंगे जो नए स्टूडेंट्स या फिर आपके मैसेज रहे जितने भी लोग अभी तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी की सोच रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप कुछ बड़ा सोचें, आप एक लाइफ को एक मोटिव दें कि हाँ ज़िंदगी में हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए। और ज़िंदगी को यूं ही ना गुजार दें कि सुबह हुई और शाम हो गई और बस आपने खाना खाया और आप भी सो गए। तो ये लाइफ का पर्पस नहीं होना चाहिए। आप लाइफ को एक पर्टिकुलर पर्पस दो कि हाँ ठीक है, अगर मुझे ये बनना है तो ये बनना है। अगर इसको अगर 5 दिन लगते हैं, इसको 15 दिन लगते हैं, इसको 1 साल लगता है, इसको 2 साल लगता है, मैं इसके पीछे पढ़ूंगा। तो एक लाइफ का एक सर्टेन पीरियड इस तरह के एग्ज़ाम्स के लिए दें, पूरी मेहनत करें, पूरी मेहनत से उन एग्ज़ामों के लिए जो हैं जुट जाएं आप, और कुछ टाइम तक पीछे मुड़ के ना देखें कि जब आप आगे बढ़ें तो आप आगे बढ़ते रहें। खुद को आप डेली इम्प्रूव करें कि जो आप थे 1 हफ्ता पहले और जो आप आज हैं और जो आप होंगे 1 हफ्ता बाद, तो उन तीनों में बहुत ज़्यादा अंतर होना चाहिए। yes, तो इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। और मैं बोलूँगा कि ये सारी स्किल्स हैं जो हमें दिमाग में डालनी पड़ती हैं। हम एक टारगेट सेट करते हैं फिर उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। अगर हम टारगेट ही छोटा सेट करेंगे तो हमारा दिमाग हमें इसी तरह से ट्रेन कर देगा कि हमें बस वही अचीव करना है। राइट सर। हाँ, और अगर हम टारगेट बड़ा सेट करते हैं तो हमारा दिमाग इस तरह की प्रोग्रामिंग हमसे करवाता है कि नहीं, ये काम नहीं करना है, यहाँ टाइम बर्बाद होता है, हमें यहाँ जाना है, हमें ये काम करना है। तो वो दिमाग आपकी प्रोग्रामिंग इस तरह से करवा लेगा कि आप उसको अचीव करने के लिए बाध्य हो जाओगे। तो मैं यही कहता हूँ कि टारगेट एक बड़ा सेट करें और उसको पाने के लिए पूरी कोशिश करें, अच्छे लोगों से घिरे रहें, अच्छी किताबें पढ़ें और जितना भी आपको टाइम मिलता है, अगर आप जॉब में हैं तो, और अगर आप
खाली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस टाइम की कीमत समझें, समय की कीमत समझना बहुत ज़रूरी है। और चूँकि हमारा जो स्टूडेंट फेज़ है वो मुश्किल से 3-4 साल का होता है जिसमें हम प्रिपरेशन करते हैं एग्ज़ाम की। ऐसा कभी नहीं होता कि हम जो है 10 साल तक 20 साल तक तैयारी करते रहेंगे। तो वो जब जिस फेज़ में आप तैयारी कर रहे हो उस फेज़ की कीमत पहचानें और उसमें समय और एनर्जी दोनों बहुत सकारात्मक तरीके से अच्छी जगह इस्तेमाल करें जिसका आपको आउटपुट मिले और जो आपके ज़िंदगी के आने वाला टाइम है उसमें आप ये कह सको कि मैंने ज़िंदगी के उस फेज़ में तैयारी की थी। जी ओके बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। ओके सो थैंक यू सो मच सर कि आपने इतना कीमती टाइम निकाल के मुझे दिया। सो गाइस सर ने बहुत ही डिटेल में आपको हर चीज़ बताई है, उन्होंने अपने लाइफ के बारे में बताया कि वो किस तरीके से एज अ DSP आज हैं। क्या मुझे तो सच बात बोलूँ इस वीडियो जब मैं इंटरव्यू ले रहा था तो मैं खुद में बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गया था। सच में सर ने बहुत सिलेक्टेड वर्ड्स के साथ आप तक अपनी बात को पहुंचाया। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद जय हिंद।